हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पीएचपी के बारे में जानेंगे। और अगर आप वेब डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाहते हैं, वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप जरूर बेसिकली आपने पीएचपी का नाम सुना होगा। और इससे पहले हमने अपने चैनल पे एचटीएमएल और सीएसएस की क्लासेस ली हैं, और अभी हम एक दो दिन में जावास्क्रिप्ट की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो HTML, CSS, JavaScript, और इसके बाद एक और नाम आता है जो है PHP। आप सभी लोगों ने PHP का नाम सुना होगा। और दोस्तों, PHP क्या होता है, किस तरीके से इसमें हम अपना पहला प्रोग्राम रन कराएंगे और क्या इसका बेनिफिट है, आज हम सब कुछ ये सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए PHP की, तो जो PHP है ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर्वर साइड क्या, दोस्तों इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि जैसे कि मैं अगर कहीं से, जैसे आप गूगल से कुछ सर्च करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ गूगल सर्च इंजन के पास ही रखा हुआ है। जैसे अगर मैं कोई अपनी वेबसाइट बनाता हूँ, तो मैं वेबसाइट बना के सर्वर पे अगर मैं उसको पब्लिश करता हूँ और गूगल से आप सर्च करते हैं, तो गूगल क्या करता है, सर्च इंजन है वो हमारी जो भी साइट की इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है, सर्वर से आपके पास लाके शो कराता है, बस यही काम करता है। तो दोस्तों, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दो होता है। तो बेसिकली अभी के लिए समझ लीजिए कि जो हम आउटपुट देख रहे हैं वो क्लाइंट साइड है, और सर्वर साइड जहां से, जिस सर्वर से जहां से हमें डाटा मिल रहा है वो है सर्वर साइड। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि PHP से हमें क्या बेनिफिट है और PHP को हम यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, PHP के हेल्प से हम एक डायनामिक वेब एप्लीकेशंस को बनाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आया यहाँ पे कि जो है PHP क्या कर सकता है, PHP इज सर्वर, PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, ठीक है। PHP जो है एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और ये है, इससे हम PHP से एक हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को बनाते हैं। इसके मैं फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। अगला हमारे पास जो PHP में पॉइंट है कि हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि जैसे विद द हेल्प ऑफ PHP, we can develop dynamic web application, dynamic web application। दोस्तों, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि डायनेमिक क्या होता है। दोस्तों, अगर बात की जाए HTML की, तो HTML से हम साइट के परफॉर्मा को हम वहां पे तैयार करते थे। जैसे कोई बॉक्स बना दिया, कोई टेबल बना दिया, या कुछ हम इस तरीके से डिजाइन कर दिए, कलर चेंज कर दिए, उसके फॉन्ट को चेंज कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि HTML में हमने एक लॉगिन फॉर्म बनाया था। तो लॉगिन फॉर्म हम जब बनाते थे, तो लॉगिन फॉर्म में हम जब कोई यूजर आईडी डालते थे, पासवर्ड डालते थे, तो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, तो जैसे आप किसी वैकेंसी की फॉर्म फिल करते हैं, तो आपके पास जैसे एक पेज होता है पर्सनल डिटेल का, एक एजुकेशन का, एक एक्सपीरियंस का, एक डिक्लेरेशन का, तो आप पहले पेज को फिल करके सबमिट करते हैं तो एक अगला पेज आ जाता है। या जैसे किस तरीके से आपने, अगर आपकी वेबसाइट पे लिखता है इंटर फर्स्ट नंबर, आपने नंबर डाला, उसके बाद आया इंटर सेकेंड नंबर, उसके बाद ऐड बटन है, उसको आप प्रेस करते हैं तो आपको उसका सम शो करता है। इस तरीके का कुछ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, मतलब उसमें कुछ काम हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजाइन हमें दिखे और कुछ उसमें डायनेमिक इफेक्ट नहीं है। और डायनेमिक इफेक्ट बनाने के लिए हम PHP को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और अगर बात की जाए PHP के फुल फॉर्म की, तो बेसिकली यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर।
वैसे यहाँ पे पीएचपी के फुल फॉर्म का कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इससे पहले हम जो भी प्रोग्रामिंग करते थे, जैसे अगर मैं बात करूं एचटीएमएल की या सीएसएस की, तो बेसिकली हम नोटपैड को ओपन करते थे और नोटपैड में अपने कोडिंग को करते थे और गूगल क्रोम ब्राउजर पे उसको रन कराते थे। लेकिन दोस्तों पीएचपी में ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर का सिस्टम है, तो बेसिकली ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो हमें एक अपना सर्वर चाहिए। और दोस्तों सर्वर को हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, और सर्वर इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है इस स्टेप को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जैम्प नाम के सर्वर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैम्प कहाँ से सर्वर इंस्टॉल करेंगे आप? जैम्प को इंस्टॉल करने के लिए आप यहाँ पे गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप सीधे इंस्टॉल जैम्प। ठीक है, और दोस्तों यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जैम सर्वर को। ठीक है, मैं आपको ओपन करके एक बार दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं विंडोज के लिए जैम्प है, और यहां पे जो लेटेस्ट वर्जन है 7.4.10, 7.3.2.2, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी लेटेस्ट वर्जन आपको समझ में आ रहा हो। 64 बिट यहाँ पे लिखा हुआ है। लिनक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है तो लिनक्स के लिए है, मैक के लिए, जो भी जिसके लिए भी आप यहाँ पे वो करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैम सर्वर को मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं सीधे आपको जैम सर्वर को ओपन करके दिखाता हूं कि क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप जैम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो देखिए होता क्या है। मैं जैम के कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूं, ये जैम कंट्रोल पैनल। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, बेसिकली एक सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है, आप अच्छे से इंस्टॉल कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इंस्टॉल करने में। फाइल को जैम के सेटअप को डाउनलोड करने के बाद, आपको यहाँ पे ओपन करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जब डेटाबेस की हम कोडिंग करेंगे तो वहां पे माई सिक्वेल को स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ हमें अपने सर्वर को इंस्टॉल करना, अपाचे सर्वर को इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे जैसे अपाचे को स्टार्ट करता हूँ। ठीक, यहाँ पे अभी हम सिर्फ अपाचे को स्टार्ट करेंगे, अभी हमें माई सिक्वेल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा अपाचे स्टार्ट हो चुका है, और दोस्तों हमें अगर चेक करना है कि हमारा जो यहाँ पे सर्वर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने ब्राउजर में लोकल होस्ट टाइप करके आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो जैम सर्वर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है कि नहीं, या काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं चलता हूं अपने ब्राउजर पे और मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं सीधे यहाँ पे लिखता हूं लोकल होस्ट, और यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि वेलकम टू जैम लोकल होस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। अभी देखिएगा आपको क्या हो रहा है। तो जब मैंने अपने ब्राउजर पे लोकल होस्ट करके सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि जैम अपाचे पर्सनल आईडिया डीबी पीएचपी पर यहाँ पे शो कर रहा है वेलकम टू जैम फॉर विंडो 7.23। देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड जैम ऑन दिस सिस्टम, नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग अपाचे मारिया डीबी पीएचपी एंड अदर कंपोनेंट, यू कैन फाइंड मोर इन्फो। दोस्तों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हमारा जैम सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आपको किसी प्रकार की जैम को सर्वर को मतलब इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है जैम सर्वर को इंस्टॉल करने में। तो दोस्तों यहाँ पे अगला हमारे पास जो बात आती है इसमें कि सबसे पहले हम पीएचपी में अपना पहला प्रोग्राम रन कैसे कराएं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पीएचपी में प्रोग्राम रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने लोकल डिस्क सी में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लोकल डिस्क सी में जाता हूं, मैं यहाँ पे लोकल डिस्क सी में गया। लोकल डिस्क सी में जाने के बाद आपको यहाँ पे जैम्प नाम का फोल्डर मिलेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको, लोकल डिस्क सी में जाना है, इसके बाद आपको जैम्प नाम का सर्वर मिलेगा मतलब फोल्डर मिलेगा, और जैम्प नाम के फोल्डर पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा आपको एच टी डॉक्स के नाम से। ठीक है,
एसटीडॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप फोल्डर है, आप इस कोई भी फोल्डर बना के यहाँ पे काम कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे मैंने एक लैब नाम के फोल्डर को बनाया है और इसी में हम अपनी फाइल को प्रिपेयर करेंगे और काम करेंगे। तो लैब नाम के फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, ठीक। और यहाँ पे एक फाइल मैंने पहले से ही बना रखा है a.php के नाम से। तो आप अगर यहाँ पे जब आएंगे लैब में, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कई प्रकार की आप फाइल बना सकते हैं, जिस तरीके से आप यहाँ पे a.php, b.php, जिस नाम से आपको बनाना है आप यहाँ पे फाइल बना सकते हैं। फाइल कैसे बनाना है, यहाँ पे आप न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाएंगे और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पे b.php, c.php जो भी आपको बनाना होगा बना देंगे। अब ये टेक्स्ट फाइल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे a.php के नाम से हमारी एक फाइल बनी हुई है। और दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, एक बार ध्यान से फिर सुनिए, आपको सबसे पहले जैम्प नाम के सर्वर को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। जैम्प नाम के सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद आपको लोकल डिस्क सी में जाना है। लोकल डिस्क सी में जाने के बाद आपको जैम्प नाम के फोल्डर को ओपन करना है, उसके बाद आपको एसटीडॉक्स नाम के फोल्डर को उसमें फाइंड करना है, उसके बाद ओपन करके एक आपको वर्किंग फोल्डर बनाना है जैसा कि मैंने वहां पे लैब नाम से बनाया है। उसके बाद आपको एक पीएचपी फाइल बनानी है पीएचपी के एक्सटेंशन से। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं। उसके बाद .php नाम के एक्सटेंशन को वहां पे यूज करेंगे और उसके बाद हम अपनी कोडिंग करेंगे। और दोस्तों अगर आपके सिस्टम में जैम सर्वर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं सही से, उसको चेक करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे जाके लोकल होस्ट लिख के सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए अपने पहले प्रोग्राम को रन कराना सीखते हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूं। दोस्तों ये जो माइक्रोमीडिया ड्रीमवेवर 8 देख रहे हैं, ये एक प्रकार का एडिटर है और नोटपैड प्लस प्लस, वीएस कोड, ये अलग अलग प्रकार के हमारे पास यहाँ पे एडिटर होते हैं। दोस्तों यहाँ पे कोडिंग आसान हो जाती है और बहुत सारे यहाँ पे फंक्शन पहले से ही बने होते हैं। जैसे मैंने कुछ पार्ट लिखा कोड का, वो आ गया, आप इसमें देखेंगे आसानी होती है कोड करने में। तो आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, माइक्रोमीडिया ड्रीमवीवर 8 से भी कर सकते हैं, वीएस कोड से भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस से भी कर सकते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग एडिटर सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रोग्राम रन कराने के लिए हमें इस तरीके का प्रोफार्मा लिखना है, ठीक है। हमें सबसे पहले एक यहाँ पे लगाना है एंगल ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क टाइप का बनाना है सिंबल, ये और पीएचपी, ये हमारा बेसिक जो है यहाँ पे इसका बिगिनिंग कोड है। सबसे पहले पीएचपी का कोड करने के लिए हमें ये इस्तेमाल करना ही है। और इस तरीके से इसको यहाँ पे हम क्लोज करेंगे और किसी भी यहाँ पे हम टेक्स्ट मैटर को, किसी भी हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए इको इस्तेमाल करेंगे। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हमने एंगुलर ब्रैकेट को इस्तेमाल किया, इसके बाद इस क्वेश्चन मार्क को लिया और पीएचपी लिखा, इसके बाद यहाँ पे हम किसी टेक्स्ट मैटर को या अपने डेटा को कुछ भी प्रिंट कराने के लिए मैंने यहाँ पे इको लिखा, और इको लिखने के बाद इसको यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रखा है। और माई फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे सेमी कॉलन मैंने लगाया है और इसको यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम, और इसको रन करा के देखते हैं कि किस तरीके से हमें रिजल्ट शो होता है और कहाँ रन कराना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि पहला प्रोग्राम रन कराने के लिए यहाँ पे पीएचपी के परफॉर्मा को यहाँ पे लिखना है, कोई भी पीएचपी का कोड करना है तो ये आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और इको लिखेंगे प्रिंट करने के लिए और माई फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम, बेसिकली नॉर्मल चीजें हैं, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है जो कि आपको ना समझ में आए। और आप अगर पीएचपी सीख रहे हैं तो बेसिक चीजें आपको एचटीएमएल सीएसएस अच्छे तरीके से आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो आप इस तरीके से पीएचपी लिखेंगे, क्लोज करेंगे इको माई फर्स्ट पीएचपी प्रोग्राम और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ कंट्रोल एस से और चलते हैं इसको रन कराते हैं। दोस्तों रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रन कराने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पे जाना होगा और ब्राउजर पे जाने के बाद आपको लोकल होस्ट टाइप करना होगा और फोल्डर के नाम के साथ फाइल नेम लिखनी होगी। मतलब कि लोकल होस्ट में जाने के बाद आपको स्लैश लगाना है, इसके बाद लैब लिखना है और उसके बाद a.php लिखना है।
या अगर आपने b.php के नाम से वहां पे फाइल बनाई है तो b.php लिखेंगे, अपने नाम से अगर आपने फाइल बनाई है तो अपने नाम को लगा के .php लिखेंगे। देखिए किस तरीके से रन कराते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको बैक करता हूँ। मैंने लिखा लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ lab a.php, ठीक। अब देख सकते हैं माई फर्स्ट PHP प्रोग्राम रन यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ माई फर्स्ट PHP प्रोग्राम, या मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई फर्स्ट PHP एक्सपीरियंस, मैंने लिखा यहाँ पे माई फर्स्ट PHP एक्सपीरियंस, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये कुछ भी इसमें डेटा को आप अगर चेंज करते हैं, माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग अगर हम लिखते हैं, सेव किया मैंने इसको, देख सकते हैं आप। तो ये किस तरीके से रन हो रहा है आप समझ चुके होंगे। आपको सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर पे जाना है, और वेब ब्राउजर पे जाने के बाद आप अपने वर्किंग फोल्डर के नाम को लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे, और जिस फोल्डर को आपने जिसमें प्रोग्रामिंग किया है उस फोल्डर के नाम को लिखेंगे। तो लोकल होस्ट के बाद मैंने लैब लिखा, लैब के बाद a.php, आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं सी में आपको जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर जाना है। जैम्प नाम के फोल्डर के बाद htdocs मिलेगा, htdocs ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लैब है वर्किंग फोल्डर, लैब के बाद a.php नाम की फाइल है, और इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए इसमें जो भी हम PHP के कोड को करेंगे उस कोड को रन कराने के लिए आपको ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट लिखना है, और लोकल होस्ट लिखने के बाद आप अपने वर्किंग फोल्डर के नाम को लिखेंगे, और उसके बाद जिस फोल्डर पे आप कोडिंग कर रहे हैं उस फोल्डर के नाम को लिखेंगे, तब अपने प्रोग्राम को आप रन करा सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें हम अपने फॉन्ट को चेंज करना चाहें तो क्या चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन है। यस, आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट लगा सकते हैं। बेसिकली आपको जहां से, जैसे हमने पढ़ा है कि HTML में कैसे फॉन्ट लगाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फॉन्ट की कोडिंग करने के लिए यहाँ पे PHP अलग से कुछ सिस्टम बनाया है। फॉन्ट की जो हम कोडिंग करेंगे वो बेसिकली HTML से ही करेंगे। तो अगर आपने HTML नहीं पढ़ा है तो आप HTML एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जाके आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉन्ट के कलर को चेंज करता हूं, मैं सीधे लिखता हूं इको के बाद फॉन्ट। आप देख सकते हैं कि अगर मैं यही नोटपैड से कोडिंग चाहे और किसी से हम लोग करते थे तो ये सब चीजें नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पे बना बना पूरा प्रोफॉर्मा हमारे ये तैयार है, बस आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट पे प्रेस किया तो ये आ गया, और मैं लिखता हूं फॉन्ट के बाद कलर, फॉन्ट कलर, कलर में पास करता हूं मैं, कलर में पास करता हूं रेड पास करते हैं, मैंने कलर रेड किया, और यहां पे हम सिंगल कॉमा ही देंगे। तो फॉन्ट कलर में हमने यहां पे रेड कर दिया, और इसके बाद माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग के बाद मैं सिंपली फॉन्ट को क्लोज कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया फॉन्ट क्लोज। अब इसको मैं सेव करता हूं और देखते हैं आउटपुट को चेंज होता है कि नहीं। यहां पे पार्स एरर आ रहा है, लाइन नंबर 2 में यहां पे हमें एरर शो हो रहा है, कुछ छूटा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग। बेसिकली हम एरर के बारे में बात करेंगे, वहां पे जो प्रोग्राम में पार्स एरर आ रहा था, लाइन नंबर 2 लिख रहा था, एक एक एरर को हम पढ़ेंगे और आप समझ पाएंगे कि कब कौन सा एरर आता है। तो उसके लिए आप परेशान ना होइए, फिलहाल अभी जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो हमने लिखा फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड माई फर्स्ट प्रोग्रामिंग,
और यहाँ पे हमने फॉन्ट को क्लोज किया और यहाँ पे इको है पीएचपी, इस तरीके का पीएचपी का पहला जो हम कोड है रन कराते हैं। और यहाँ पे आप और सारे भी कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अगर फॉन्ट कलर रेड कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, H1 लगा देते हैं, और भी कुछ अगर करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, मैं अगर इस PHP से पहले इस्तेमाल करता हूं, अगर मैं यहां पे इसको हटाता हूं, तो यहां पे मैं सीधे लिखता हूं फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर, और फॉन्ट कलर में मैं लिखता हूं रेड। आप ये देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे कलर आ चुके हैं। ये देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इस तरीके के एडिटर को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कलर आ चुके हैं। मैंने अगर यहां पे प्रेस किया तो देखिए ऑटोमेटिक यहां पे सब कुछ लग चुका है। और मैं लगाता हूं एक सेंटर टैग, सेंटर, और इसके बाद मैं लिखता हूं H1, ठीक है, और सिंपली ये तीनों को मैं क्लोज करता हूं। मैंने क्लोज किया H1, ठीक है, ऑटोमेटिक यहां पे क्लोज हो गया। इसके बाद सेंटर क्लोज हो चुका, इसके बाद मैं फॉन्ट को क्लोज करता हूं। ठीक है, तो मैंने यहां पे कुछ नहीं किया है, आप सारी चीजें पढ़े होंगे अगर HTML पढ़े हैं तो। फॉन्ट कलर ये हो गया और यहां पे मैंने सेंटर टैग लगाया सिंपली इसको सेंटर में करने के लिए, और H1 लगाया थोड़ी सी हेडिंग टाइप का दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, और फिर H1 को क्लोज किया, सेंटर क्लोज किया। ये है PHP का परफॉर्मा, जिसको मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं मैं, और इसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल S से और इसके रिजल्ट को देखते हैं। ये देखिए काफी इंटरेस्टिंग हमें दिख रहा है, सिर्फ 3 कोड लगाने से हमें काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है ये। और जब यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद अगर इस फाइल के नेम को जिसमें आपने कोड किया इसको नहीं लिखते हैं तब क्या, देखिए क्या शो करता है। देखिए मैं अगर सिंपली सिर्फ लोकल होस्ट और लैब यहाँ पे टाइप करता हूं और एंटर करता हूं तो हमारे पास हमारे वर्किंग फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल बनी होंगी ये सारी यहाँ पे शो करेंगी। अभी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक फाइल बनी हुई है a.php, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारी फाइल शो हो जाएगी। ठीक, तो आपने रन कराना सीख लिया है लोकल होस्ट लैब a.php, इस तरीके से आप रन कराएंगे और ये है हमारा PHP। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक दिन की PHP सीखने से ही आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने लग जाएंगे, लेकिन अगर आपने लगातार वीडियो को देखा और लगातार हमारा साथ दिया तो जरूर आप एक अच्छी वेबसाइट बनाएंगे। और आज के ट्रेंड में जो ई कॉमर्स वेबसाइट और जो अच्छी अच्छी कुछ किसी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट होती है, जैसी वेबसाइट चाहे आप बना सकते हैं, धीरे धीरे आपको सीखना होगा, बहुत सारे इसमें स्टेप्स हैं और समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप सब कुछ सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आज हमने सीखा कि PHP में किस तरीके से आप पहले प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट की भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।